हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। मैं अपने चैनल पर ओलंपियाड एग्जाम प्रिपरेशन से संबंधित चैप्टर लेकर आती हूं और उसके एमसीक्यू हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करती हूं। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एनसीओ ओलंपियाड वर्क बुक से एमएस पेंट चैप्टर से पार्ट वन एमसीक्यू। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि मैंने सीबीएसई टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग कंप्यूटर सिलेबस के चैप्टर्स को एक्सप्लेन करके उसके बुक सॉल्व क्वेश्चंस करवा रखे हैं। उसे आप एक बार अवश्य देखें, उसके बाद एनसीओ ओलंपियाड वर्क बुक को सॉल्व करें, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहने के कारण आप खुद ही क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर पाएंगे। वैसे तो मैंने एमएस पेंट चैप्टर को अच्छे से समझा चुके हैं, फिर भी टू द रिकॉल पर्पज से मैं एक बार वापस आपको टू द मेन पॉइंट बता रही हूँ। दिस इज़ द पेंट स्क्रीन विंडो। विंडो पे पेंट स्क्रीन इस प्रकार का दिखता है। नंबर वन, द टाइटल बार सो एज ए लिटिल पेंट प्लेट। यह नंबर वन में यह टाइटल बार है जिसमें लिटिल पेंट प्लेट रहते हैं। इट कंटेंस रिस्टोर मूव साइज मिनिमाइज मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। इसके अंदर ये स्टोर मूव साइज मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन्स रहते हैं। नंबर टू, द बटन सेव अंडू रीड्यू एंड कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अंतर्गत इस बटन में क्विक एक्सेस टूल बार रहते हैं जिसमें कुछ बटन को हम क्विक एक्सेस के लिए रखते हैं, जैसे सेव अंडू रीड्यू एंड कस्टमाइज। नेक्स्ट हम पॉइंट थ्री, द रिवन हैज थ्री आइटम ऑन द लेफ्ट, पेंट बटन होम टैब एंड व्यू टैब। रिवन में थ्री आइटम्स होते हैं लेफ्ट के साइड में, पेंट बटन होम टैब एंड व्यू टैब। ये तीनों बटन रिवन में लेफ्ट साइड होते हैं एंड अ हेल्प बटन एट द फार राइट, और हेल्प बटन राइट साइड कॉर्नर में बहुत दूर पर रहते हैं जिससे हम कोई भी हेल्प ले सकते हैं। नंबर फोर, द ड्राॅइंग एरिया इज़ द प्लेस वेयर यू कैन ड्रॉ एंड कलर पिक्चर। यह ड्राॅइंग एरिया होती है जहाँ पर हम कोई भी पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं और उसे कलर कर सकते हैं। नंबर फाइव, द टूल्स ग्रुप हैज़ मैनी टूल्स लाइक इरेजर पेंसिल टेक्स एक्सेट्रा डैट हेल्प्स टू ड्रॉ एंड कलर इन पेंट। यह टूल्स ग्रुप होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के टूल्स होते हैं लाइक इरेजर पेंसिल टेक्स्ट, जो हमारे ड्राइंग एंड कलर्स में पेंट करने में मदद करते हैं। नंबर सिक्स, कलर बॉक्स। कलर बॉक्स हेल्प टू सेलेक्ट अ कलर एंड यूज टू इन आवर ड्राइंग। कलर बॉक्स हमें कलर सेलेक्ट करने में मदद करता है और जिसे हम अपने ड्राइंग में यूज़ कर सकते हैं। सेवन, रेक्टेंगल राउंडेड रेक्टेंगल ओवल एसेट्रा टूल्स आर प्रेजेंट इन शेप ग्रुप। इट हेल्प अस ड्रॉ वेरियस शेप। सेवन नंबर पर ये शेप टूल्स या शेप ग्रुप्स कहलाते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के शेप्स रहते हैं लाइक रेक्टेंगल राउंडेड रेक्टेंगल ओवल एसेट्रा, जो विभिन्न प्रकार के शेप्स ड्रॉ करने में हमारी मदद करते हैं। चैप्टर सेवन, एम एस पेंट। नंबर वन, फाइल्स क्रिएटेड इन पेंट आर बाय डिफॉल्ट सेव एज फाइल्स। MS पेंट में जो फाइल क्रिएट किया जाता है वो डिफ़ॉल्ट कहाँ सेव होता है, उस फाइल में डिफ़ॉल्ट क्या लिखाता है। ऑप्शन ए .txt, ऑप्शन बी .pic, ऑप्शन सी .png एंड ऑप्शन डी .com। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी .png। png इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट ऑफ ग्राफिक फाइल्स इन पेंट। PNG डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट रहता है ग्राफिक फाइल्स पेंट में। क्वेश्चन नंबर टू, द पार्ट ऑफ द पेंट विंडो वेयर आर यू एक्चुअली ड्रॉ इज नोन एज। विंडो पार्ट, पेंट विंडो के कौन से पार्ट में एक्चुअली हम ड्रॉ करते हैं और उस ड्रॉ एरिया को हम क्या कहते हैं, जहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए क्वेलिंग एरिया, बी ड्राइंग एरिया, सी टूल्स एरिया एंड डी फाइल एरिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ड्राइंग एरिया।
क्वेश्चन नंबर थ्री. द टूल्स यूज टू ड्रॉ विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रशेस इज. कौन टूल की मदद से या किस टूल को यूज़ किया जाता है ब्रश के विभिन्न काइंड से शेप ड्रॉ करने के लिए. द टूल्स यूज टू ड्रॉ, कौन से टूल को यूज़ किया जाता है ड्रॉ करने के लिए विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रशेस, विभिन्न प्रकार के ब्रशेस से. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. इस प्रकार के ब्रश से हम विभिन्न प्रकार के काइंड्स ऑफ ब्रशेस ड्रॉ कर सकते हैं. टू द यूज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रशेस गो टू होम टैब एंड ब्रशेस. डिफरेंट टाइप के ब्रशेस हम यूज कर सकते हैं. गो टू होम टैब एंड ब्रशेस. हम होम टैब पर जाकर ब्रशेस ऑप्शन को क्लिक करके विभिन्न प्रकार के ब्रशेस ड्रॉ कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर. सिया हैज परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल. सिया विभिन्न प्रकार के स्टेप्स परफॉर्म कर रही है रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स विल बी देयर इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन स्टेप्स. विभिन्न प्रकार के टूल्स जो है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वहाँ पर वह कौन से टूल्स को यूज करेगी. ऑप्शन वन सेलेक्ट क्वेश्चन मार्क, टू पॉइंट द माउस ऑन द ड्राइंग एरिया एंड स्टेप थ्री क्लिक एंड ड्रैग द माउस वंस इन ड्रॉ द रेक्टेंगल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रेक्टेंगल. स्टेप वन में सबसे पहले वो शेप ग्रुप से जाकर रेक्टेंगल शेप को सेलेक्ट करेगी. फिर पॉइंट द माउस ऑफ ड्राइंग एरिया पर माउस को लेकर आएगी एंड स्टेप थ्री क्लिक एंड ड्रैग द माउस वंस टू ड्रॉ ए रेक्टेंगल. उसके बाद वो माउस से ड्रैग करते हुए एक बार ड्रैग करते हुए ट्रायंगल बनाएगी. क्वेश्चन नंबर फाइव. द टूल यूज टू स्प्रे कलर ऑन द इमेज इज. इनमें से कौन से टूल का यूज़ कलर को स्प्रे करने के लिए इमेज पर कलर को स्प्रे करने के लिए किया जाता है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. बी इज स्प्रे कलर ऑन द इमेज. क्वेश्चन नंबर सिक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स यूज टू सेलेक्ट पोर्शन ऑफ द इमेज वी आर वर्किंग विथ. इनमें से कौन से टूल का यूज हम इमेज में वर्क करने के लिए कर सकते हैं, कौन से इमेज को हम ड्रॉ कर सकते हैं. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. इट इज़ नोन एज रेक्टेंगुलर सेलेक्शन. ये रेक्टेंगुलर सेलेक्शन है जिस पर हम इमेज को वर्क कर सकते हैं, इमेज बना सकते. क्वेश्चन नंबर सेवन. द टूल्स यूज टू सेलेक्टेड अ पोर्शन ऑफ ड्राइंग इज डिजायर्ड शेप इज. नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन से टूल्स का यूज करेंगे जिसकी मदद से हम अपने अनुसार कोई भी ड्राइंग में शेप ड्रॉ कर सकते हैं. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. बी इज इट इज़ नोन एज फ्री फ्रॉम सेलेक्शन. यह फ्री फ्रॉम सेलेक्शन शेप है जिसमें हम अपने हिसाब से किसी भी तरह के शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर एट. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू इरेज एन अनवांटेड पोर्शन ऑफ ड्राइंग. इनमें से कौन से टूल्स का यूज़ हम कर सकते हैं जो अनवांटेड पोर्शन है ड्राइंग में उसको इरेज करने के लिए. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इरेजर. इट इज़ नोन एज इरेजर टूल्स. टू यूज दिस टूल गो टू होम टैब एंड सेलेक्ट इरेजर ऑप्शन ऑफ टूल ग्रुप्स. यह इरेजर टूल्स है जिसका यूज़ हम किसी भी अनवांटेड एरिया को इरेज करने के लिए किए करते हैं. इसके लिए हमें सबसे पहले होम टैब पर जाकर
टूल्स ग्रुप में जाना होगा और टूल्स ग्रुप से फिर इरेजर टूल्स को सेलेक्ट करके उसको यूज़ करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9, रिया हैज ड्रॉन अ पिक्चर ऑफ ए स्कूल हैविंग ब्यूटीफुल प्लेग्राउंड अराउंड इट। रिया को एक पिक्चर ड्रॉ करना है जो स्कूल के ब्यूटीफुल गार्डन, स्कूल के चारों तरफ ब्यूटीफुल गार्डन है, इस प्रकार का रिया को एक पिक्चर ड्रॉ करना है। नाउ सी वांट टू राइट द नेम ऑफ द स्कूल ऑन दिस पिक्चर, और वह उस पिक्चर में अपने स्कूल का नाम लिखना चाहती है। विच टूल्स शुड बी यूज टू यूज फॉर डैट, इसके लिए वह इनमें से दिए गए कौन से ऑप्शन का यूज़ कर सकती है, अपने स्कूल का नाम लिखने के लिए वो कौन से टूल्स का यूज़ करेगी। ऑप्शन ए इरेजर टूल्स, बी पेंसिल टूल्स, सी ए टेक्स्ट एंड डी फिल कलर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी टेक्स्ट ऑप्शन। इट इज़ नोन एज टेक्स्ट टूल। टू यूज दिस टूल्स गो टू होम टैब एंड सेलेक्ट टेक्स्ट ऑप्शन फ्रॉम द टूल्स ग्रुप। टेक्स्ट टूल की मदद से वह अपने ड्राइंग में स्कूल का नाम लिख सकती है। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले होम टैब पर जाएंगे और फिर टेक्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके टूल्स ग्रुप में से हम इसे सेलेक्ट करेंगे और फिर स्कूल का नाम लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द गिवन टूल्स। ये टूल्स दिया गया है, इसके गिवन फंक्शंस को हमें पहचानना है। ए इट इज़ यूज टू पिक अ कलर फ्रॉम द पिक्चर टू यूज़ इट इन अनदर ड्राइंग। इसकी मदद से हम किसी भी पिक्चर में से पिक्चर के कलर को पिक करके उसे अपने ड्राइंग में यूज कर सकते हैं। ऑप्शन बी इट इज़ यूज टू डिलीट पिक्चर, इसका यूज़ पिक्चर को डिलीट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इट इज़ यूज टू सेलेक्ट ड्राइंग एरिया, इसका यूज़ ड्राइंग एरिया को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। एंड ऑप्शन डी इट इज़ यूज टू फिल द पिक्चर विथ कलर, इसका यूज़ पिक्चर के अंदर कलर्स को भरने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इट इज़ यूज टू पिक अ कलर फ्रॉम द पिक्चर। इसका यूज़ हम पिक्चर किसी भी पिक्चर में से उसके कलर को पिक करके उसे अनदर ड्राइंग में यूज़ कर सकते हैं। हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। मैं अपने चैनल पर ओलंपियाड एग्जाम प्रिपरेशन से संबंधित चैप्टर लेकर आती हूं और उसके एमसीक्यू हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करती हूं।